बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाई है जो कि KTM के ऊपर है, KTM बाइक के ऊपर है, KTM 200 के ऊपर है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली कुछ पहली वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि हम लोगों ने पल्सर और बुलेट में हैजर्ड फ्लैशर इंस्टॉल किया है। तो आज सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो पहला हैजर्ड सिस्टम था, मतलब जो भी नॉर्मल से नॉर्मल जो हैजर्ड सिस्टम मिलते थे मार्केट में, आफ्टर मार्केट कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, वो पहला गाड़ी यही था, KTM 200 जिसमें इंस्टॉल करते थे और लोग उसको चलाते थे। मेरी भी नज़र में मैंने पहली बार KTM 200 में ही देखा था, उसके बाद में RC वगैरह में, मतलब अलग अलग बाइक्स में बाद में देखा मैंने। सो आज हम लोग इसमें सिमटेक का हैजर्ड फ्लैशर इंस्टॉल करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको कैसे करना है और उसके पैटर्न्स कितने हैं और कैसे उसको एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो सिमटेक का हैजर्ड फ्लैशर मैंने अभी, मतलब ये गाड़ी के लिए बाय किया है और इसमें आज हम लोग ये इंस्टॉल करने वाले हैं। सो आप लोगों को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पल्सर में KTM के इंडिकेटर्स लगाने के बाद वो सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिमटेक के लिए बटन रिक्वायर्ड होता है, बट ये वाला जो सिमटेक है जो KTM ट्यूब में लगता है, RC में लगता है, उसमें स्विच रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें खाली आप लोगों को एक सिमटेक का हैजर्ड सिस्टम मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग इसको, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये सिमटेक का, इसका KTM के लिए आता है ये, मतलब हर बाइक के लिए अलग अलग टाइप का आता है, जैसे ये स्विच अलग रहेगा हर बाइक के लिए। सो ये अभी जो हमने लिया है वो KTM 200 के लिए लिया है। सो आप लोग देख सकते हो इसका, ये प्लग एंड प्ले, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बटन ना ही बटन रिक्वायर्ड है इसमें, मतलब स्विच भी रिक्वायर्ड नहीं है अलग से लगाना है। इसमें जो भी है आपका इंडिकेटर स्विच के ऊपर ही होएगा। और दूसरी बात ये है, इसके साथ 1 ईयर का वारंटी, एक मिनट, दूसरी बात ये है इसके साथ 1 ईयर का वारंटी कार्ड मिलता है। जैसे कि आप लोगों के अगर हैजर्ड फ्लैशर में कुछ भी कभी भी हो गया, अगर इनकेस अगर आपका हैजर्ड फ्लैशर बंद हो गया, 1 ईयर के अंदर अंदर आप लोग क्लेम कर सकते हो। वो कैसे क्लेम करना है उसकी भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए। सो आइए अभी इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं दिखा दूँ आप लोगों को। अभी आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने सीट खोल दिया और सीट खोलने के बाद ही ये इंस्टॉल होगा। जैसे कि वायरिंग जो रहता है वो नीचे ही रहता है, ऊपर तो रहता नहीं है। तो अभी ये जो आपको 14 पिन वाला स्विच दिख रहा है यहाँ पे, जो भी वायरिंग सेटअप है उसमें जो 14 पिन वाला स्विच रहेगा उसमें ये बैठेगा। और यहाँ पे इसका लॉक भी दिया हुआ है, इसको परफेक्ट एकदम लॉक करना है। सो अभी आप लोग को मैं दिखा दूँ कैसे लॉक करना है। ये स्विच निकल गया और इसके जगह पे हम लोग हैजर्ड का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। अभी ये मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया। और मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगा, जैसा कि इसमें आपको कोई भी वायरिंग कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है प्लग एंड प्ले है। आप लोग जैसे कि जानते ही हो कि सिमटेक का जो भी है फ्लैशर होता है वो प्लग एंड प्ले ही होता है। सो अभी इसको स्टार्ट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये एक्टिवेट कैसे होता है। सो आइए मैं आप लोगों को इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो गाइस, जो भी सिमटेक का हैजर्ड फ्लैशर है उसको एक्टिवेट करने के लिए अपने को लेफ्ट राइट और मिडल में करना है। जैसे कि अभी मैंने किया लेफ्ट राइट और मिडल में। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये चालू हो गया है हैजर्ड सिस्टम अपना। और इसका जो पैटर्न चेंज करने का है वो भी सेम वही तरीके से करने का, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, लेफ्ट राइट और मिडल में। देखिए ये सेकंड पैटर्न है इसका, ये थोड़े थोड़े देर पे ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड पैटर्न भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये लेफ्ट राइट और मिडल में, ये इसका थर्ड पैटर्न है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये इसका थर्ड पैटर्न है। उसके बाद में फोर्थ पैटर्न ये है, जो थोड़ा रह रहे के ब्लिंक होएगा वो चौथा पैटर्न है। उसके बाद में ये पांचवा पैटर्न है, ये छठवा पैटर्न है, ये थोड़ा रुक रुक के काम कर रहा है,
इसका जो पैटर्न का है ये बहुत ही मतलब बोलते ना कि पहला पहला वाला था। अभी जो फ्लैशेक्स वगैरह का मैंने आप लोगों को दिखाया उसमें कैसे थोड़ा मतलब समझ सकते हो आप लोग, मतलब एक अलग तरीके का हो गया है, जैसा कि उसमें प्रोसेसर वगैरह हार्ड रहेगा इसके लिए। ये देखिए सातवां पैटर्न है, इसका आठवां पैटर्न है, ये इसका नौवां पैटर्न है, ये दसवां पैटर्न है इसका, दसवां, बारहवां पैटर्न है। इसके बाद हम लोग और भी चेक करेंगे क्योंकि इसमें कैसा होता है कि जो पहला पैटर्न है वो तो अभी अपने को याद रहेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग पूरा पहले चेक कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को तेरहवां पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ, ये तेरह, थर्टीन, ये फोर्टीन, लेट ब्लिंक होएगा, और जो 21 पैटर्न है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अपना 21 मतलब सबसे लास्ट वाला पैटर्न है। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी मैंने आप लोगों को पूरा इसके बारे में बताया कि मतलब इसके जो भी मतलब पैटर्न है वो आप लोगों को दिखाया मैंने। सो अभी इसमें क्या करना है आप लोगों को, अगर इसको बंद करना है तो सीधा सीधा लेफ्ट में टॉगल लेफ्ट और मिडल में ये बंद हो जाएगा। अगर आप लोगों को रिवर्स लेना है तो राइट, लेफ्ट और मिडल में करना है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। हम लोगों ने इसमें दिखाया आप लोगों को इसका सिंटेक का हैजर्ड फ्लैशर KTM 200 में कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ गलती हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।